देखिए, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो हमने पहले कह दिया था। और जिस प्रकार का माहौल वहाँ पे बना, उसमें जो विधायक हैं मम्मन खान, वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल। लेकिन जो कार्रवाई है तो जो जांच है उसके बाद ही उतनी बड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में था वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था, कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। और जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जहाँ जहाँ भी हिंसा हुई वहाँ वहाँ पे मम्मन खान पाया गया, जो इंक्वायरी है उसमें जो रिपोर्ट आई उसमें, तो स्वाभाविक ये है कि जिस प्रकार से सारे सारा घटना हुई और इंक्वायरी में अगर उसका नाम है तो निश्चित तौर से उसको गिरफ्तार किया गया। सर, मोनू मानेसर की अगर बात करें, अब जो बीजेपी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो मोनू मानेसर की जो है समर्थन में खड़े हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मतलब उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। नहीं देखिए, मुझे नहीं पता कौन सा बीजेपी का नेता किसी ने कहा, किसी ने बात नहीं कही। देखिए, ऐसी बात किसी ने कही, लेकिन ये बात तो मैं भी कह रहा कि जिस वीडियो की बार बार बात की गई उस वीडियो में कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं है। लेकिन अन्य कोई पुलिस के पास जानकारी है उसमें अगर पुलिस गिरफ्तार करती है उसकी हमें जानकारी, लेकिन अगर वीडियो के आधार पर कोई बात कही जाए तो वीडियो में कुछ भी आपत्तिजनक था नहीं। वो वीडियो मैंने भी सुनी और आप ही लोगों ने सुनाई वो, तो उसमें कोई आपत्तिजनक था नहीं। लेकिन अगर और कोई इस प्रकार की जानकारी है पुलिस गिरफ्तार करेगी। शहीद हुए हैं, हरियाणा के भी दो जवान शहीद हुए हैं। देखिए, उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उसके लिए मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित तौर से आज सरकार जो है वो मतलब हर जगह जिस प्रकार का स्टैंड सरकार लिया, पहले तो इस प्रकार का था कि वो उधर से गोली चलती थी, इधर से कोई जवाब देते थे, लेकिन अब पिछले काफ़ी टाइम से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाओं में कमी आई बहुत, लेकिन फिर भी समय समय पर इस प्रकार की घटनाएँ घट जाती हैं। तो हम उसका उसके परिवार की जिम्मेदारी हमारी सबकी है और निश्चित तौर से सरकार उसमें पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें काम करेगी और हमारा पूरा प्रयास रहेगा। सरकार ने हर मामले में सख्ताई बरती है, कहीं इस प्रकार का नहीं है। अगर कहीं भी इस प्रकार की घटना हुई तो सरकार ने बहुत सख्ताई के साथ उसका उस पर कार्रवाई की है और आने वाले टाइम में भी सरकार सख्ताई के साथ इस पर ऐसे लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई करेगी।